राग देश ने दूर करी ने आत्म शुद्धि पाए राग देश ने दूर करी ने आत्म शुद्धि पाए धन धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा धन धन के मुनि वरा रे जे जी ने आण पाले धन धन के मुनि वरा रे जे जी ने आण पाले राग द्वेष ने आत्म शुद्धि पाए धन धन मुनि वरा 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 सामूहिक गुरु वंदन इच्छामि खमा समणो वंदिम वंदिम जावणी जाय निसिहि आए मठायण उंदामि इच्छामि खमा समणो वंदिम जावणी जाय निसिहि आए मठायण उंदामि इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ दे जोजी इच्छामि खमा समणो वंदिम जावणी जाय निसिहि आए मठायण उंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान अभूते में अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामे मी रायम तस्मिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमा समणो वंदिम जावणी जाय निसिहि आए मठायण उंदामि सुख सातम साहिब इच्छामि खमा समणो वंदिम जावणी जाय निसिहि आए मठायण उंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान पायणा संदेश इच्छामि खमा समणो वंदिम जावणी जाय निसिहि आए मठायण उंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा लेसु इच्छामि इच्छामि खमा समणो वंदिम जावणी जाय निसिहि आए मठायण उंदामि इच्छकारी भगवान प्रसाई करी वायणा प्रसाद करावसो नमो नियंदण नमो सिद्धाणु नमो इरियाणु नमो वज्जायाणु नमो लोए सवधाऊण एसो पंचन मुकारो दब भाव पणासनो मंगलानंजद बेसिम पड़मं अवई मंगलों नमो दुर्वार निवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताईने जय जगजीव जोणी वियाणव जगगुरु जगानंदो जगनावो जगबंधु जय जगपिया महोवैवम जय सुवाणम भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महाप्पा महावीरो ओम कारम बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमम सिंहा पौमा वै पमुवनिसेविय पाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगना हो
अज्ञान तिमिरांधानं ज्ञानं जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैलेंजेस नहीं है जो जतन गुरु रत्न सुंदर सूरी सदा भव मळे जो तमारु शरण भव भव मळे जो तमारु शरण तमारा शरण मा तमारा शरण मा लाखो नमन भव भव तू सदा तारा वह तू सदा तारा प्रेम झरण भव भव मड़ो तमारु शरण भव भव मड़ो तमारु शरण करुणा न सागर तमे छो मारा करुणा તમે છો અમારા શ્રદ્ધા છે સ્વામી મળશે કિનારા શ્રદ્ધા છે સ્વામી મળશે કિનારા તારા રે ધ્યાન માં તારા રે ધ્યાન માં હો મુજ ચરણ ભવ ભવ મળજો તમારું શરણ ગુરુવર પ્રભો ભવ મળજો તમારું શરણ વિનંતી છે સ્વામી તમને અમારી વિનંતી છે સ્વામી તમને અમારી જેવા છીએ તેવા લેજો ઉગારી જેવા છીએ વિનંતી છે સ્વામી તમને અમારી વિનંતી છે સ્વામી તમને અમારી જેવા છીએ તેવા લેજો ઉગારી જેવા છીએ એવા લેજો ઉગારી હો રાહીની મંજિલ હો રાહીની મંજિલ તમારા ચરણ ભવો ભવ મળજો તમારું શરણ ભવો ભવ મળજો તમારું શરણ બધાને જી ગાવી જાઓ રવિવાર છે જીગરની રોકો બિલકુલ ચાલો એકદમ નહીં एक छोटी सी कथा को लेकर के प्रवचन की शुरुआत सुना था ऐसा एग्जाम्पल
आपके संसार में जिनका आप नाम बहुत बार शायद लेते होंगे, खास तौर पे युवा पीढ़ी जिनका नाम लेती होगी, वो अमिताभ बच्चन। एक बार अपने घर से बाहर निकले और आपके मन में कैसा आया कि रोज तो ड्राइवर ड्राइविंग करते मैं पीछे बैठता हूँ, आज मैं ही ड्राइविंग करूँ, और अपने ड्राइवर को बोल दिया एक काम कर, आज पीछे बैठना मैं आगे बैठता हूँ। हैरान हो गया, आप बात क्या करते हो, आप ड्राइविंग खुद करेंगे, हमें करूँगा तो पीछे बैठ। और ये गाड़ी चलाई, बरसों से गाड़ी ऐसी चलाई नहीं होगी, ट्रैफिक का नियम का पता नहीं था, और सिग्नल क्रॉस करके गाड़ी आगे निकल गई, पुलिस ने देखा, रोकने का प्रयास करने के पहले उसने ड्राइविंग सीट पे अमिताभ को देखा, उसको लगा बोलूँ तो कैसे बोलूँ, छोड़ दिया। आगे उसने मैसेज दिया और जिसको मैसेज दिया उसने बोला चाहे व्यक्ति कोई भी, वो पेनल्टी करनी ही है, मगर उसने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे कौन है, महाराष्ट्र का सीएम है तो भी पेनल्टी लगा दे, कानून सबके लिए समान है। उसने बोला महाराष्ट्र का सीएम होता तो मैं पेनल्टी कर देता, मगर ये तो समझ में नहीं आता है कौन है ऐसा। तब उसने बोला मालूम नहीं, एक ऐसा आदमी पीछे बैठा है जिनका ड्राइविंग अमिताभ खुद कर रहा है। कभी कभी मेरे और आपके मन में ये होता है, हम पीछे बैठे परमात्मा हमारा ड्राइविंग कर रहे, नमुत्थुणम दम्म सारहीनम। अर्जुन पीछे बैठा था, सारथी ड्राइविंग करने वाले कृष्ण थे, चाहे अर्जुन की कितनी भी औकात थी मगर ड्राइविंग करने वाले श्री कृष्ण नहीं होते, 100% अर्जुन कर्ण के सामने हार जाता। तुम्हें मालूम हो तो मैं बताना चाहता हूँ, शक्ति में कर्ण आगे था, समर्पण में अर्जुन आगे था। यदि अकेली शक्ति जीता दी होगी तो कर्ण निश्चित तौर से जीत जाता, मगर शक्ति को जब तक समर्पण का बैकिंग नहीं मिलता तब तक शक्ति खत्म कर देती। हजारों हमारे जिन शासन में भी ऐसे हुए जिनके पास शक्ति जबरदस्त थी मगर समर्पण चुक गए, ड्राइविंग सीट पे परमात्मा ही चाहे। नमुत्थुणम दम्म सारहीनम, हे भगवान आप मेरे जीवन रथ के सारथी बन जाओ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरा जीवन हम सब का जीवन एक जबरदस्त ताकत लेकर के बैठा है, एक कारण हमारे ड्राइविंग गुरुदेव के हाथ में है। ये जिसके पास भी ये ड्राइविंग सीट पे गुरुदेव बैठे, परमात्मा बैठे, धर्म बैठा, जिन बच्चन बैठा, संसार के क्षेत्र में आपके माता पिता बैठे, ड्राइविंग शक्ति तुम्हारी मगर समर्पण आगे बैठने वाले के प्रति, ये ताकत जब आ जाती है तब क्या चमत्कार होता है, वो हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना बता सकता हूँ। और जिसने ड्राइविंग सीट पे भगवान को छोड़ के, गुरु को छोड़ के, माता पिता को जो खुद की ड्राइविंग सीट खुद ने ले ली, वो इतना जीवन तबाह हो चुका है, इनका भी मैं अपनी आंखों के सामने गवाह हूँ। आप जो भी एग्जाम्पल चाहते हो वह एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। कभी कभी तो क्या होता है कि आपको मालूम होगा ड्राइविंग सीट पे किसको बिठाने के बाद और ताकत वाला बैठने के बाद आप निश्चिंत बन जाते हैं पीछे। इनको लेकर के आज अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवचन का सब्जेक्ट आनंद मंगल कैसे हो सकता है। मेरे पास कर्म भी, आपके पास कर्म की गुलामी है, मेरा और आपका 3 माइनस पॉइंट आपके सामने रखना मैं दिल से कहना चाहता हूं। मैं खुद जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी हमारे पास 3 कमजोरी है, गलत अभ्यास, गलत संस्कार और गलत अनुराग। ये हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, हम गलत अभ्यास से ही आदत बन गई हमारी, चाहे परमात्मा का मंदिर हो चाहे गुरु भगवान का प्रवचन हो, मगर हमारी नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त चली है, गलत अभ्यास। हमने गलत अभ्यास ने इतना हैरान कर दिया कि समझ में नहीं आता है व्हेन वी विल कम बैक। एक गलत अनुराग, मेरा प्यार भगवान को छोड़ के पदार्थ पर, मेरा प्यार गुरु भगवान को छोड़ के पैसे पर, ये गलत अनुराग। मैं रिपीट करूं, खत अच्छा मगर एड्रेस गलत, साचो पत्र पर खोटा सरनामे, हालत बगाड़ी नाखी। मारा ना तुम्हारा हृदय में प्रेम 100% साचो, गुरुदेव पागल बनी जाओ, एड्रेस कौन छे प्रेम नु, तो प्रेम नु एड्रेस गलत करी नाख्यू, एना कारण आखो प्रेम डिस्टर्ब थी गयो। तमने खबर नहीं तो कहूं, आ दुनिया में सौथी वधारे
વગોમાં આવેલો વખણાયેલો અને વપરાયેલો શબ્દ એનું નામ પ્રેમ. વધારે વગોવાયેલો શબ્દ પણ પ્રેમ, વધારે વખણાયેલો શબ્દ પણ પ્રેમ, અને વધારે વપરાતો શબ્દ પણ પ્રેમ. આનંદગંજી મહારાજે પ્રેમને વખણાયો એવી જગ્યાએ એમને પ્રેમ કર્યો. ઋષભ જીનેશ્વર પ્રીતમ મારો ખલાસ, બસ તમારો પાકો. આજે આપણે એ કરવું છે કે ગુરુદેવ અમારો પત્ર સાચો, અમારું સરનામું આ બદલી નાખો. ને જે દિવસે અમારું સરનામું ફરી વાર કહું, પુરુષાર્થ સાચો, પ્રયાસ સાચો, પુણ્ય સાચું, એડ્રેસ આપણું ખોટું. પ્રીતિ અનાદિની પર થકી જે તોડે તે જોડે, અનાદિની ભગવાન પ્રીત મારી સાચી ગલતની સાથે કરી એના કારણે માર ખાઈ બેઠો. ફરી વાર કીધું, પ્રેમ કરવાનું છોડતા નહીં, એડ્રેસ બદલી નાખો. પ્રેમ ખરાબ નથી, આપણું સરનામું ખોટું છે. અને અમે ચારિત્રના માર્ગે નીકળ્યા, દિલ દઈને છપ્પર ફાડીને પ્રેમ કર્યો ગુરુદેવને, અને આજે ક્યાં પહોંચ્યા એની આ પરીક્ષા છે. આજ આપકે સામને પાંચ સ્ટેપ કી બાત રખના ચાહુંગા. નંબર એક, જીવન કો આનંદ મંગલ કરના હૈ, દિલ સે આપ અપને આપકો ઓબ્ઝર્વેશન કરતે રહેના, ગુરુદેવ યે તો મેરે પાસ ભી હૈ. નંબર વન, ફ્રીડમ. બહુ દિલ સે સુનના આજ કા પ્રવચન. ચોથા સ્ટેજના કેન્સરમાં પણ તમે કહી શકો આનંદ મંગળ છે. 50 કરોડના લોસમાં પણ તમે કહી શકો ગુરુદેવ પરમાત્માની પરમ કરુણા છે. સગો દીકરો તમારું હેરાન કરવામાં તમને બાકી ના રાખે, એવા ટાઈમમાં પણ કહી દો ગુરુદેવ પરમાત્મા મારી નજીક છે. અગલી 24ના પ્રથમ તીર્થંકર મહારાજા શ્રેણીક નરક ગતિમાં ગયા અને એને હેરાન કરવામાં સૌથી વધારે ભાગ એના સગા દીકરા કોણિકનો હતો. જેને ઉકરડે નાખી દીધો હતો એને બચાવ્યો. રસ્સીવાળી આંગળી મોઢામાં, તમે એમ કહો છો દીકરા તારા માટે મેં શું કરી દઉં, સૈનિકે દીકરા માટે કરી દઉં, એવું તમે કાંઈ નથી કર્યું. અને આવા મહારાજા સૈનિકને જેલમાં રોજના 100-100 ફટકા આ દીકરાએ મનાવ્યા છે. અને એની વચ્ચે પણ સૈનિક મહારાજા કહેતા હતા આનંદ મંગળ છે. નંબર એક, ફ્રીડમ. આપ મુજે બતાવ્યા કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ફ્રીડમ. ફરી વાર બોલો, આઝાદી. શેની આઝાદી? નહીં, આઝાદી બરાબર છે. એકદમ ડેપમાં આપણે જઈએ, કોઈ રવિવાર છે, ઉતાવળ નથી. તમે મને કહો આઝાદીનો અર્થ શું? નહીં, એ આઝાદી નહીં, એ આઝાદી નહીં. તમને ખબર છે તમારી મરજી પ્રમાણે કરો એ આઝાદી નથી ને. દારૂ પીનારો પોતાની મરજી પ્રમાણે દારૂ પીવે, રસ્તામાં જતા કોઈનું ખૂન કરવાનું મન થાય ખૂન કરી નાખે, એ આઝાદી હોઈ શકે નહીં ને. આઝાદીનો અર્થ છે જે કરવા જેવું છે એ કરવાની સ્વતંત્રતા, એનું નામ આઝાદી. યાદ રાખી લો, જે નિશ્ચિત કરવા જેવું છે એ જ કરવાની તમને છૂટ મળે એનું નામ આઝાદી. પરમાત્માની પૂજા તમારે કરવી છે, છૂટ છે એ આઝાદી. દાન તમારે કરવું છે, છૂટ છે આઝાદી. પણ કોઈના પૈસા તમારે ચોરવા છે એ આઝાદી નથી, આઝાદી નથી. સાચ બોલો. મેં આપસે ડિફરન્ટ ડેફિનેશન ઓફ ફ્રીડમ, મારે જે કરવા જેવું છે કરવાની મને છૂટ મળે આનું નામ આઝાદી. બરાબર છે? જરાય શંકા? તમે જે કરવા જેવું છે, જે કરવું છે નહીં, રિપીટ શબ્દને મારામારી તમે સમજી જો, જે કરવું છે એ કરવાની છૂટ એ આઝાદી નહીં, જે કરવા જેવું છે એ કરવાની છૂટ એનું નામ આઝાદી. બરાબર છે ને? તમારે હોટલમાં રાતના 12 વાગે જઈને અભક્ષ ખાવું જોઈએ આઝાદી નથી. પણ જે તમારે કરવા જેવું છે એ જ કરવાની, તમે કહો મારે આંબેલ કરવું છે આઝાદી છે, તમે કહો મારે અભક્ષનો ત્યાગ કરવો છે તમને આઝાદી છે, નિશ્ચિત. નાવ આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ આઝાદી કા 5 સ્ટેપ. નંબર એક, બહુ જલ્દી સમાપ્ત કર દૂંગા. નંબર એક, દર્શન શક્તિ. મેં જો દેખના ભગવાનને મુજબ જો દેખને કો કહે વો દેખ સકતા હું, એ મેરી સબસે એક નંબર કી આઝાદી. દર્શન શક્તિ. નંબર દો, શ્રવણ શક્તિ. આપકી ડાયરી મેં લિખના દેના 6 સ્ટેપ કી આઝાદી. નંબર એક, દર્શન શક્તિ. ભગવાન તુમ દર્શન થી સમકિત પ્રગટે, નિજ ગુણ રિદ્ધિ અપાર, સ્વામી મોરા તુમ દર્શન સુખકાર. હું આગમ વાંચી શકું છું, નીચે જોઈને ચાલી શકું છું, એક પણ જીવની વિરાધના ન થાય માટે પ્રભુ આ મને આઝાદી આપીને આપે કમાલ કરી છે, કમાલ. આજ સભામાં બેઠને વાલે એક ઉપતના ચાહતા હું, તમને કભી ભી જયંતિભાઈ બ્લાઇન્ડ સ્કૂલ મેં કભી ગયે?
मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कभी गए और किसी ब्लाइंड बच्चे को देख करके तुमने कभी खुद को पूछा भगवान इस छोटे बच्चे ने जिंदगी में क्या गलत किया है कि इनकी आँख चली गई और मैंने 50 साल तक ऐसा क्या किया है मेरी आँख अभी तक बची है। रिपीट करना चाहता हूँ, क्यारे पण तमे तुम्हारी जात ने प्रश्न पूछो जेने एक पण खराब चीज जोई नथी एनी आँख जन्म थी नथी अने भगवान 50 वर्षना आ जीवन में केटलुं न जोवानुं जोई लाग्यो छतां मारी आँख अत्यार सुधी टकी गई छे एनुं कारण शुं? कभी भी खुद को तुमने क्वेश्चन किया क्या? कभी ब्लाइंड स्कूल में जाकर के तुमने उनकी वेदना उनकी पीड़ा उनका दर्द उनकी व्यथा तुमने कभी भी देखा? हम तो देखे, हम सब साधु रो रहे थे राजकोट में जब गए थे ब्लाइंड स्कूल में, एक भी साधु अभी नए साधु छोड़ो राजकोट में 2046 और एक ब्लाइंड स्कूल में हम गए। ग्रह माता ने मैंने बोला आप मुझे दिखा दो कौन से बच्चे और मैं राउंड पे निकला था ग्रह माता के साथ मेरे सब साधु साथ में थे। ब्रेल लिपि में लिखा हुआ एक पुस्तक मेरा जिन्हों नाम तू ये वक्त हीरा मयूर पंख ये वक्त पुस्तक नु नाम लगभग 35 वर्ष पहला निवार और वो एक लड़की ब्रेल लिपि में मेरा लिखा हुआ पुस्तक पढ़ रही थी और ग्रह माता वहां जाके खड़ी रह गई और उस लड़की को बोला तुझे मालूम है तो क्या पढ़ रही है और उसने बता दिया वो अंगुली घुमा करके सब बता दिया। तब उसने बता दिया ये लिखने वाले गुरुदेव है ना तेरे पीछे खड़े। आज वो दृश्य याद आ जाता है। चिबुए ने कीधु के आ पुस्तक लखना गुरुदेव तारी पास एकदम ग्रह माता ने भेटी पड़ी माँ क्यारे 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 गुरुदेव ने जोई नहीं सकू क्यारे पण नहीं आखी जिंदगी में क्यारे नहीं एनी आंख ना आंसू मानो हाथ फरतो तो बेन तने सू जाओ बापू मां एक बार गुरुदेव ने देखाड़ी तो मारे एक बार दर्शन करवा छे। ग्रह माता की आंख में हम सब की आंख में आंसू इस बच्ची को देख करके लगा भगवान ये क्या किस पाप की सजा हमको मिल रही है। और जब हम ब्लाइंड स्कूल से निकले ना हम नीचे उतर रहे थे और सात लड़की ने एक स्तुति गाई थी मुझे लगा कि बस अभी ये सुन नहीं पाऊंगा बहन रोक दो अभी कैपेसिटी के बाहर की बात है। तुमने कभी खुद को भगवान को पूछा भगवान अभी तक मेरे पास आंख क्यों है ये फ्रीडम आपने मुझे किस लिए दी? जे करवा जीवो दिए करवा माटे कीधु के जे नो तू करवा जीवो वो करवा माटे आंख नो उपयोग कर्यो आ ब्लू फिल्म आ टीवी सीरियल आ गंदी बातों आ बधु जोवा माटे फ्रीडम मळी छे। नंबर एक दर्शन शक्ति मैं औरंगाबाद का वो लड़का मेरी आंखों के सामने की जो लड़का प्रवचन सुनने के बाद आता था और जब मैंने जिंदगी में पूछा ये क्या ही क्या वो जवाब नहीं देता था। मैंने सुना ये क्या करता है बाजू वाले लड़के को मैंने पूछा लड़का मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देता गुरुदेव वो न सुन सकता है न बोल सकता है क्या बात करता है? हां गुरुदेव नवमा पांच कमे व्याख्यान में हाजर जे छोकरो जिंदगी भर सांभळी नतो सकतो बोली नतो सकतो बोलवा नतो नवमा पांच कमे व्याख्यान में हाजर। कितने महीने तक प्रवचन किया तब तक पता नहीं चला कि ये लड़का बोल ही नहीं सकता मगर जब पूछा तब पता चला। तब मैंने उनको लिख के पूछा संभड़ा तू नहीं बोला तू नहीं तो व्याख्यान में सुकम आवे छे कारण के व्याख्यान तो संभड़ाए तो काम नहीं मारा साहेब अपना दर्शन नु सद्भाग्य आंख ने मड़े बस एटला माटे आवुं छुं। आपको पूछना चाहता हूं दर्शन शक्ति नंबर दो श्रवण शक्ति नंबर तीन समझ शक्ति अंडरस्टैंडिंग पावर। मैं जो कहता हूं वो आप समझ सकते हो मे बी पॉसिबल आपका मंद बुद्धि हो और मैं जो कहता हूं आप निश्चित तौर से समझ भी नहीं पाते हो। नंबर चार स्मरण शक्ति मेमोरी पावर। आप घर पे जाके बबाल करने का मन होता है तब आप रुक जाते हो
सामने वाला पूछता है तुमने क्रोध का जवाब क्रोध से क्यों नहीं दिया, कल गुरुदेव ने प्रवचन में ये कहा था, कैसे बचे? स्मरण शक्ति से। नंबर एक दर्शन शक्ति, नंबर दो श्रवण शक्ति, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच निर्णय शक्ति। यू कैन टेक द डिसीजन। चारित्र में मिला निर्णय शक्ति से मिला, चाहे समझ शक्ति, स्मरण शक्ति, दर्शन श्रवण शक्ति सब कुछ था, मगर ठोस निर्णय लिया इन एनी कोस्ट चारित्र के मार्ग पे जाना है, तब तो चारित्र मिला। ये पांच नंबर की ताकत, दर्शन श्रवण स्मरण समझ और निर्णय शक्ति, और छठे नंबर में संवेदना शक्ति। संवेदना शक्ति, हमारा हृदय थोड़ा गीला हो जाता है किसी को देखने के बाद, अंदर में कंपन होता है, आंख में आंसू होता है। छह शक्ति की फ्रीडम आपको मिली है। नंबर वन, जीवन आनंद मंगल छे भगवान, हवे एक चिन्नी मारी तारा माटे फरियाद नदी, आ छ चीज आपी ते मारा ऊपर अनंत उपकार कर। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, अभी तक जिंदगी में छह शक्ति मिली, इनके लिए परमात्मा को थैंक्स गिविंग कितनी बार दिया? लिया कोई विरोध नहीं, ले लिया वो विरोध नहीं, मगर थैंक्स गिविंग क्यों नहीं दिया? मैं ये नहीं बोलता आप ले लिया तो काम है, रिजेक्ट करो छोड़ दो, वही नहीं कहना चाहता हूं, मगर भगवान अभी कोई चीज की शिकायत नहीं है। ये इतनी छह चीज देख करके तूने जो उपकार किया, अनंत अनंत उपकार, बाकी भगवान में खत्म हो जाता। समी रास्ते में चलते रहे, हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई पड़ती तो क्या होता? क्या होता? मौत। आपको यह लगता कि गुरुदेव मैं बच गया, तुम्हें नहीं बचे, हॉर्न की आवाज सुनाई, तुम्हें सुनाई पड़ी इसलिए बचे। और नंबर दो, हॉर्न की आवाज सुनने के बाद तुम समझ पाए कि साइड मांग रहा है, यदि वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास नहीं होती तो अभी तुम मर जाते। पूरी जिंदगी भर तक शिकायत, ये बेटा मेरी नहीं मानता, ये मानता नहीं, बीच में खाना में यही शिकायत, कभी धन्यवाद दिया? एक एग्जाम्पल आपको देखिए, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं जलगाम था, 10 किलोमीटर दूर बापना की पांजरापुर है, वहां मैं प्रवचन करने के लिए, जलगाम से करीबन 1000 लोग आए थे प्रवचन सुनने के लिए, और मंद बुद्धि मेंटल रिटायर 40 लड़के आए थे, मेंटल रिटायर। तुमने देखा क्या रे, तुम्हें मंद बुद्धि ना बाड़कों ने जोया छे? पूछू सांभ्यू के जोया छे, जोया छे हाँ। और वो 40 लड़के मेरे पास लाए, मंद बुद्धि मेंटली रिटायर, बास्केट डलवाने के लिए आए, तब भी लगा कि जल्दी बास्केट ले लो और आगे चलो, क्योंकि उनकी चेष्टा समझ में नहीं, बहुत छोटे थे। तब मुझे लड़के ने बोला, महाराज साहब इन सबको भोजन के लिए लेके जाता हूँ, बापना परिवार की उदारता दी सबको भोजन के लिए। बेटा मंद बुद्धि मेंटल रिटायरमेंट क्या होती है तुम्हें पता नहीं होगा। वो भोजन समारोह के बाद आए, गुरुदेव हम भगवान से विनती करते, लड़का रो रहा था, गुरुदेव परमात्मा ने कमाल कर दिया, हम पर कमाल कर दिया। मैं बोला क्या हुआ? गुरुदेव 40 मंद बुद्धि बच्चे को भोजन के लिए बैठा है, हमने ही महाराज साहब उनको परोसा, मगर मां से दूधपाक का भोजन था, कटोरी में दूधपाक डालते चले और वो पीते चले। मालूम है क्या हुआ? कहां रुकना उनकी बुद्धि नहीं थी उनकी। 2 कटोरी पीने के बाद, 3 कटोरी पीने के बाद हम बोल देते प्लीज अभी नहीं, बोल देते ये क्या था, ये अंडरस्टैंडिंग पावर था, अभी नहीं बस ओके। मगर गुरुदेव इन लोगों के पास वो नहीं था। 4थी कटोरी 5वीं जब तक वो नानी बोले हम कैसे रुक पाए, वो तो पीते ही रहे पीते रहे। गुरुदेव इनका भी इतना दुख नहीं था, 5-5, 7-7 कटोरी पीने के बाद गुरुदेव इन सबको वॉमिट हुई तो थाली में से वॉमिट पीने लगे। अरे आपको कभी लगता है भगवान ये माइंड देख करके आपने मेरे पर अनंत उपकार किया है? मैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना, कभी थैंक्स गिविंग दिया क्या? मुझे तुम पूछो तो मैं निश्चित तौर से हार्डली कहना चाहता हूं, जिंदगी में एक भी शिकायत अभी बची नहीं है।
प्लानिंग के बिना, पुरुषार्थ के बिना भगवान ने इतना दिया, इतना दिया, इतना, फिर भी यदि मैं शिकायत कर दूं मेरे पास अक्ल की कमी है। दर्शन श्रवण स्मरण समझ संवेदना शक्ति निर्णय शक्ति भगवान आज सुधी मारी नजर नती गई, कमाल करी गाड़ी कमाल। फिर भी आनंद मंगल नू पहली कंडीशन अपनी अगर फ्रीडम हो, तमारे जीवन में आनंद मंगल करवू छे अनुभवू छे नी पहली शरत तमारी अगर आ फ्रीडम हो। सेकंड नंबर फ्रीडम पछी एक फ्रेंड हो, '64 में गुरुदेव भुवन भानु की शिविर में गया मैं, अचलगढ़ी शिविर में, तब परमात्मा की परम करुणा मुझे एक फ्रेंड मिले जिनका नाम आचार्य भुवन भुवन भानुसूरी महाराज था। पंचसूत्र में गुरु भगवान को फ्रेंड कहा है, शायद आपको पता नहीं तो बताऊं। पंचसूत्र नाम का ग्रंथ ये कहता है, कल्याण मित्र गुरु भगवान तमेना हो, कल्याण मित्र गुरु भगवान माने गुरुदेव आपके फ्रेंड है, मगर वो फ्रेंड नहीं जिनको हम फ्रेंड कहते, कल्याण मित्र एक साचो मित्र। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहाँ बैठी हुई बहनों माताओं को पूछना चाहता हूँ, आपके पास फ्रीडम तो मिली, फील्ड मिला यार, आँख भगवान के सामने, कान गुरु भगवान के वचन के सामने, मन शुभ भावना के लिए, आपको पूछना चाहता हूँ, आपके पास कल्याण मित्र है क्या? और हरिभद्र सिंह का बच्चा ने कॉट करके आपको बताना चाहता हूँ, कल्याण मित्र अयोगे बीजा धानादि असंभवात, जिसके पास कल्याण मित्र नहीं है उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है। आपके पास फ्रेंड है क्या? आपसे मैं जवाब चाहता हूं, फ्रेंड तमारी भाषा में तुमने समझाई दू, कल्याण मित्र शब्द तुमने न समझे तो बीजी भाषा में कहूँ, तुम्हारी अगर एक माड़ी मित्र हो श्रेष्ठ फ्रेंड, माड़ी एक ताली मित्र हो, एक खाली मित्र हो, एक थाली मित्र हो, एक प्याली मित्र हो, एक मोबाली मित्र हो, एक माड़ी मित्र हो। थाली मित्र होटल में ली जाए, प्याली मित्र तुमने दारू पीवड़ाता जाए, ताली मित्र तुम्हारी मस्काबाजी करता जाए, मोबाइली मित्र तुम्हारे जिंदगी ने रवाड़े चढ़ी जाए, खाली मित्र खाली हाय हेल्लो करे और माड़ी मित्र तुमने कापी नाखे। कोई जंगल में जनारा माड़ी ने तुम्हें जो है हाथ में कातर ली जाए, दिखाए ना आपने, कैची लगा क्या करता है वो? नहीं आप बोलो क्या करता है? हा? काटे, मगर किसको काटे? अच्छे को नहीं काटेगा वो, वो ये इतना ही तय करेगा, ये वन लगता है उनको उपवन में कन्वर्ट करना है। परिवार वन को उपवन में कन्वर्ट करे वही तो माली मित्र है, और इसके लिए वो कैंची लेकर के काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, तुम्हारा जिनमें गलत कोई पण चीज जो है कापी ना कमनी, तुम्हें छूट आपी हो कोई माली है क्या? चौक्स पानी नाखसे, माड़ी मवजत करते बधु करते, ज्या ठीक लगे त्या कापी नाखसे। आज जीवन का जो भी वैभव है क्रेडिट गोज टू ओनली ओनली एंड ओनली डी टू गुरुदेव। एवं माड़ी मित्र मिला जनु कोई वर्णन न था, काप्य पण उपवन ने वन ने उपवन में कन्वर्ट करी नाख्य। મારા ચહેરાને તમે પ્રેમ કરો છો? બિલકુલ નહીં। જે ગુરુદેવે તાકાત આપી એ તાકાતની પાછળ તમે કાંડા છો, હું પણ એની પાછળ કાંડો છું। ચારિત્ર આપીને ગુરુદેવ કમાલ કરી કાઢી આપે, કમાલ। પાણી દેને વાળા માલી મિત્ર અકેલા નહીં, પાણી કે સાથ કેચી લે કે કાટને વાળા ભી માલી મિત્ર। आप बता पाएंगे गुरुदेव मेरे जिन में ये माली मित्र है कि जिनको मैंने सब राइट्स दे दिया है, जहां भी काटने का मनो मां काट देना, मेरे दुख की मेरे आंसू की पीड़ा की
मेरी व्यथा की मेरी शिकायत की चिंता मत करना। आज मेरे सामने बैठने वाले को दिल से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे जीवन का सबसे एक ही राज 1964 की शिविर, और तब से लेकर के जब से जीवन चला तब तक न मालूम कितनी जगह गुरुदेव ने काटते ही चले, काटते ही चले, काटते ही चले। और वो टाइम एक बात कहू अंकित कापे तारे पीड़ा था इन, हाँ बोलो कि ना बोलो, सच बोलो, तुमने पीड़ा देखा है कि पुरस्कार देखा है? पची ये वक्त अक्कल न हो, ये पीड़ा नहीं तैयार तुमने खाई, ये वक्त अक्कल हो तो तुम्हें हाथ पड़ी दो ना। आ दुनिया में कितनी पीड़ा एवी है कि पुरस्कार नहीं अपनी पीड़ा पाछळ वलो पाता पे छे, और माड़ी मित्र की पीड़ा पाछळ पुरस्कार मळे छे, हूँ अनुभव छू साक्षी छू। एक एग्जाम्पल दे दू थोड़ा छोटी सी पीड़ा का। सूरत में जब मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी तब की बात, जब मैंने पहली किताब भी नहीं तब की बात, सूरत की शिविर चल रही थी। एक लड़के ने वो टाइम, ये कुरियर व्यवस्था नहीं होगी शायद, होगी तो बहुत प्रसिद्ध नहीं होगी, एक लड़के ने मेरे पास 18 पेज का पत्र लिखा था, 18 पेज रजिस्टर एडी, और वो लड़का 10 दिन के बाद मुझे मिलने के लिए, 5-7 दिन के बाद, गुरुदेव मेरा पत्र का जवाब नहीं मिला। मैं बोला कौन सा पत्र? गुरुदेव मैंने 18 पेज का पत्र लिखा था रजिस्टर एडी। बोला मैं, मुझे नहीं मिला। और एक्नोलेजमेंट दिखा दिया, एक्नोलेजमेंट जिंदी भाई सुन है, हाँ मड़ी गया नहीं रसीद, अने मैं नाम वाँचू भुवन भानुसूरी, तो साहेब ने केम पूछवा जवाय, तमने लागे एटलू चलू न दिया, एलो पत्र तो मड़ी गयो। तो अभी लड़के को मैं क्या बोलूं? दोस्त गुरुदेव के पास है आएगा, 4-5 दिन के बाद मिलना, और शाम को मैं गया बड़ी डर से, पूछू केम गुरुदेव ने, क्या रत्न शू है, पानी उतरी जाए साता नती पूछी। मैं गुरुदेव को बोला, गुरुदेव एक लड़का मेरे पास आ रहा, वो पत्र की बात करता है। वो चलो शांति थी, सामने थी बात निकली। आ कातर केवी चाली है खबर है तुमने? मैंने कि तारा पर एक छोकरे 18 पाना पत्र लिखो तो मैं वाँचो, અને પત્ર મને ઉચિત ન લાગ્યું તને વાંચવા આપું। તમને શું લાગે છે ભાઈ? હવે રેવા દે, અત્યારે બીજી વાત નહીં, મૂકી દે જલ્દી। સમય શું લાગ્યું, વાંચવા કેમ નહીં આપ્યો? મને એ પત્ર તને વાંચવા આપવા જેવો ન લાગ્યો, માટે વાંચીને ફાડી નાખ્યો। માલિક હતા ગુરુદેવ, મારે વોટ એન્ડ વાય કરવાનો અધિકાર પણ નહોતો, હું મૌન રહ્યો। ગુરુદેવ મને પૂછ્યું, રત્ન તારે જાણવું નથી મેં પત્ર કેમ ફાડી નાખ્યો? સાહેબ આપ માલિક છો, હું પણ આપનો છું, આપે જે કર્યું તે ઠીક કર્યું છે। મને કે નહીં, મારે તને કહેવું છે, તારી શિબિરના પ્રવચનો, તારા હૃદયના પ્રવચનો સાંભળીને છોકરાએ પોતાના જીવનમાં ગજબનાક પરિવર્તન કર્યું છે। 18-18 પાનાના પત્રમાં એને તારી એવી પ્રશંસા લખી છે જે વાંચતા મારી છાતી ગજગજ ફૂલી, કે આટલો તું સરસ પ્રભાવક બની ગયો, હજારોના જીવન પરિવર્તનમાં તારી શક્તિ કામ લાગે, પણ એ પત્ર મેં તને વાંચવા એટલા માટે નાપ્યો, તારી ઉંમર આ પ્રશંસા પચાવી શકે એવી નથી, માટે ફાડી નાખી। એ મિલે છે મારી મિત્ર, आपके जिनमें एक मारी मित्र ऐसा, चाहे वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, चाहे कोई भी हो, मैंने ये नहीं कहा गुरु ही चाहिए, मगर जहां भी गलत करते हो, मां कैची लेकर के आके खड़े हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो, काटने दो इनको, ऐसा एक मारी मित्र हो। अभी मैं यहां गलसाना आया था ना, इनके पहले वीआर करके गांव में गया, एक गांव में उपास बनाना था, साध्वी भगवान के उपासक की बात थी, और संकेत ट्रस्टी एक बहन के पास गए, मैं इनका गवाऊं तो उन माँ को भी मिला।
ट्रस्टी गए तो माने विनती की आइए सब सत्कार किया, बोलो क्यों आव्या छो माँ, हमारे वहाँ उपास है, आपको मालूम है साधवी भगवान की आराधना के लिए उपास है चाहिए, श्राविका की आराधना भी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, क्या उम्मीद लेके आए हो? बस एक नाम चाहिए आपका। मेरे तीनों लड़के बारगाम गए आउट ऑफ इंडिया, उनको आके मैं बात करके पूछती नहीं कि माँ वो लड़के चाहे कहीं भी गए हमें आपको भरोसा है और आपके बेटे भी कहीं समर्पण के प्रति भी भरोसा है, बोलो फिगर क्या चाहिए कौन सा चाहिए? माँ 3,21,00,000 त्रणे त्रण दीकरा समीर गैरहजर अने माँ गड़ा भी निकलू 3,21,00,000 5 मिनट में मैं डन कर, एक पण छोकरा ने फोन कर्या विना पूछा विना 3,21,00,000 एना उद्घाटन में हूँ गए, અને ઉદઘાટન થયું ત્યારે દીકરો આવે ને દીકરાને મેં પૂછ્યું કે આવું બન્યું તો કે હા માના સાહેબ બહુ તું બહારથી આવ્યો અને જે વખતે મમ્મીએ તને કીધું કે બેટા તમને કોઈને પૂછાય અને અમે 3,21,00,000 અમે કમિટમેન્ટ કર્યું છે ત્યારે તમારા મનમાં પહેલો પ્રતિભાવ કયો હતો? અદ્ભુત 56 વર્ષના દીક્ષાપર્યમાં આવો પ્રતિભાવ મેં સાંભળ્યો નથી, એ દીકરાએ એટલું જ કીધું માના સાહેબ જ્યારે મમ્મીએ કીધું 3,21,00,000 મેં આપ્યા છે, મેં કીધું તમે કાંઈ મમ્મીને કીધું નહીં કે આમ કેમ અમને પૂછવું તો તું વ્યવસ્થા દી કે નહીં, એ કે નહીં મારે સાહેબ કેમ નહીં, મને કે મમ્મી અમારા છે તો રૂપિયા મમ્મીના છે મારા સાહેબ, અમે જ મમ્મીના છીએ તો રૂપિયા ઉપર અમારો કોઈ અધિકાર નથી, એ બધા રૂપિયા મમ્મીના છે, મમ્મીને જ્યાં ડિક્લેર કરવું હોય ખાલી અમને પૂછવાનું છે, અમારી રજા નથી લેવાની, જણાવી દેવાનું છે 3,21,00,000 આપી દે। आज इतनी बड़ी सभा में संडे के दिन जानना चाहता हूं, अब तक भी मेरा जीवन सुचारू रूप से चलता है, चतुर्वी श्री संघ का जीवन भी यदि अच्छा चलता है ओनली ड्यू टू गुरु, गुरु बनया बिना मोक्ष में जवाय पर गुरु बनया बिना मोक्ष में न जवाय। आई वुड लाइक टू आस्क यू एनी फ्रेंड इन योर लाइफ, માળી મિત્ર એક જ, કાળી મિત્ર, પ્યાલી મિત્ર, ખાલી મિત્ર, મવાલી મિત્ર એની વાત નથી કરો, એવા તો હજારોની સંખ્યામાં તમારે રવાડે ચડેલા છે। આવો એક માળી મિત્ર કે જેને તમે ઓપરેશન કરવાની છૂટ આપી દીધી હોય, હા બોલો કે ના બોલો, ન હોય તો ના બોલો, અને પછી તમને કોઈ પીડા આપશે જ, તમારી પરમિશન પણ નહીં લઈને તમને કાપી નાખશે એક મિનિટમાં। રમણી આવું કોઈ હોય તો હા પડો, નહીં તો ના પડો, મેં આગળ ચાલું નહીં, અને કહું ફ્રેન્ડ વિના મળેલી ફ્રીડમ જિંદગી બરબાદ કરી નાખશે। તમારી આંખની સામે બ્લુ ફિલ્મ લાવીને મૂકી દેશે, તમારા કાનની સામે વિલાસી ગીતો લાવશે, તમારા પગની સામે થિયેટર લાવશે, ક્યાં નહીં લઈ જાય તમને, બધી જ જગ્યાએ લઈ જાય, કારણ કે ફ્રેન્ડ નથી, ફ્રીડમ તો મળી જ છે। આજે હજારો લાખો યુવતી યુવતીઓ રવાડે ચડી ગયા છે કારણ કે ફ્રેન્ડ ફ્રીડમ તો છે, ફ્રેન્ડ દુર્લભ છે, વિચારી પણ નથી, અને ફ્રેન્ડ કોઈ બનવા માગે આવો ફ્રેન્ડ કોઈને જોઈતો જ નથી। બહુ આનંદ હે મુજે મેરે જીવન મેં પહેલા બાળેલું શ્રી સંઘ કે જીસને પૂરે શ્રી સંઘને મુજે ફ્રેન્ડ બનાયે, ઓર યે એસા હી ફ્રેન્ડ નહીં બનાયે, સિર્ફ નામ સે હી નહીં, વો શ્રી સંઘને કામ ભી કરકે દિખાયા હૈ। एक तीसरे नंबर की बात मैं अभी करना चाहता हूं, आनंद मंगल सब्जेक्ट के अंदर 2 मिनट, नंबर 1 फ्रीडम, नंबर 2 फ्रेंड और नंबर 3 फील्ड। फील्ड आपके पास बीज अच्छा है मगर फसल पैदा करने की ताकत बीज में नहीं है, बीज को एक फील्ड भी तो मिलना चाहिए, यदि बंजर भूमि में डाल दिया तो कुछ नहीं होगा।
अचलगढ़ की शिविर में गुरुदेव के पास गया, तब गुरुदेव ने मुझे एक फील्ड दिखा दिया, फ्रेंड तो मिले मगर ये तेरी ताकत, ये तेरी शक्ति, ये तेरी क्षमता यदि ऐसी जगह पे गई तो सोच नहीं पाएगा तेरे में क्या पड़ा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू इन एनी वन, आपको पूछना चाहता हूं, मेरे और आपके सामने दो विकल्प है, वन इज द रियलिटी एंड सेकंड इज द पॉसिबिलिटी। आप इनका गुजराती समझ सकते, हिंदी हिंदी में आप क्या, व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। व्हाट मीन्स रियलिटी, वास्तविकता, व्हाट मीन पॉसिबिलिटी, शक्यता। ओके, तो मेरी और आपकी रियलिटी जो भी हो, एक पत्थर की रियलिटी वो होती है पत्थर है, और पॉसिबिलिटी जिनकी प्रतिष्ठा के लिए करोड़ रुपए की बोली लग सकती है वो पॉसिबिलिटी पत्थर में, जब एक प्रतिमा बाहर आ जाती है लोग पागल बन जाते हैं। ये बीच की रियलिटी वो है, आप कुचल दो एक मिनट में खलास, मगर मालिक को पता है इसको जमीन दे दो और फिर देखो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बाहर आती है। तो जैन शासन रियलिटी चाहे कई बीच भी हो, पॉसिबिलिटी, मेरी रियलिटी का मुझे पता था, मैं कभी मैट्रिक से, मैं कॉलेज में कभी गया नहीं, और कभी दसवीं क्लास में दो बार फेल हुआ, और 54% से कभी आगे नहीं निकला। आज ये तुम्हें जब हम रामायण करो जन खबर नहीं पड़ती, आज इट वॉज द रियलिटी, मगर न मालूम पत्थर में पॉसिबिलिटी क्या है वो आम आदमी नहीं समझता था, वो शिल्पी ही समझ सकता है। बीज में पॉसिबिलिटी क्या है वो आम आदमी नहीं समझ पाता है, वो तो किसान ही समझ पाता है कि इनको एक बार उठाओ फिर दिखाओ क्या। मेरे में पॉसिबिलिटी क्या थी तो मुझे तो पता नहीं था, मगर वो शिल्पी, वो किसान, अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव सिंह आपने देखी होगी और मुझे तैयार किया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो तीसरे नंबर की ताकत गुरुदेव ने दिखाई, और मैं सच बताऊँ जब गुरुदेव ने पहली बार दीक्षा की बात की मैंने वही कहा था, गुरुदेव मुझे दुखी नहीं दीक्षा लो, तो मैं समझी सको जो त्या सुधी मारा मन में दीक्षा मांडे शू दू, मैं मानते तो दुखी मानस दीक्षा ले। तब मैंने खुद ने गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव पांच तो कपड़े की दुकान है मैं क्यों दीक्षा लूँ। तब गुरुदेव ने मुझे बता दिया, तेरी कपड़े की दुकान रख एक बाजू, मैं कितने साल के पहले डीकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास पर था, मेरे पैर के नीचे की धरती खिसक गई, बाप रे बाप, और तब ही निर्णय लिया। चलिए आज मारी ताकत फ्रेंड पछी चौथा नुआ फील्ड, एवं फील्ड आप दीदू गुरुए, रम्याज कर आखी जिंदगी, और जे आउटपुट मे एना गांडो छू। आज बहनों की आराधना मटे साधी भगवान की सुंदर आराधना बहनों ने करी सके माटे, एक जे श्री संघनी व्यवस्था प्रमाण उछामणी माहौल थाय छे, एक फील्ड छे, फील्डिंग पापना मार्गे जती संपत्ति ने सदमे करी देवानी एक बहु मोटी ताकत, बैंक में राखेला पैसा कदा डबल थाय, अहीं आपेला पैसा हरिभद्रस्वामीनुं वचन, हरिभद्रस्वामीनुं कोट करूँ छूँ, पाणीना बूंदने सागरमां नाखो शाश्वत थी जाए, पाणीना बूंदने सागरमां नाखो शाश्वत थी जाए, गम्मे तेवा दुकाळ आवे सागर क्यारे सुकातो नथी, नदी सुकाय छे, पाणीना टीपाने सागरमां नाखीने तमे शाश्वत बनावी शको छो, पुण्यना ઉદયથી તમને મળેલી સંપત્તિને આવા માર્ગે વાપરીને તમે શાશ્વત સુખને પામી શકો છો। આવો અદ્ભુત ફિલ્ડ તમારી આગળ બીજ છે, આ ફિલ્ડ અત્યારે તમને મળી રહ્યું છે, કોઈ લાંબી કોમેન્ટ વિના, કોઈ ચર્ચા વિના, કોઈ આનો મહિમા કેટલો જણાવ્યા વિના સીધી જ ઉછામણીની શરૂઆત થાય। અહીંયા બેઠેલા બે વાત હજી કરવી છે, ફિલ્ડ પછી બે ટોપ તાકાત આપણી આગળ હોય આપણો મોક્ષ કોઈના બાપની તાકાતને અટકાવી શકે। પંચમ ગતિ પામવા માટે પાંચે સ્ટેપ જોઈએ, ત્રીજું ફિલ્ડ, એમાં તમે મળેલી સંપત્તિ સરસ મજીની વાપરી શકો, એટલા માટે ત્રિણમ જઈએ, નંબર દો ફ્રેન્ડ, નંબર ત્રણ ફિલ્ડ, નંબર ચાર ફિલિંગ્સ જઈએ। ક્રિએશન તો મશીન ભી કર સકતા હૈ મગર ઇનકે બાદ ફિલિંગ કોઈ નહીં હૈ।
और आपको यदि पता नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूं, अध्यात्म के जगत में प्रवेश ही फीलिंग से है। कल ही रात को रोज प्रवचन सुनने वाले एक अमेरिका के डॉक्टर का मैसेज आया। प्रवचन सुनने के बाद एक दिन मैंने प्रवचन में ऐसा बोला था, आउट ऑफ इंडिया जो भी जाते हैं परमात्मा का मंदिर उनको मिल सकता है, पाठशाला मिल सकती है, अम्बेल खाता मिल सकता है, श्रेणीत भद्रतब भी हो जाता है, परिश्रम की आराधना भी हो सकती है, मगर एक ड्रॉबैक है, वहाँ सुपात्र दान नहीं है। मुनि के पात्र में एक रोटी भी आउट ऑफ इंडिया जाने वाले के पास ये है ही नहीं। और ये प्रवचन सुनने के बाद और डॉक्टर साहब ने 5 ही मिनट में 80 लाख रुपया ट्रस्ट की ऑफिस में भेजा सुपात्र दान के लिए, विद इन 5 मिनट्स। और कल आपने मुझे बात बताई वो रियली मिरेकल फीलिंग्स की बात थी। गुरुदेव आपको सुन तो रहा हूँ, मगर इंडिया में आकर के जब तक आपका दर्शन नहीं करूँ तब तक रोटी बन। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बंद करना चाहते हो, मिठाई भी बंद कर सकते हो। महाराज साहब मिठाई महीने में 2 बार आती है, रोटी रोज आती है, आपकी याद रोज बनी रहे और जितना हो सके इतना जल्दी इंडिया में आ जाऊं, इसलिए रोटी बन की है। अभी मैं बम्बई अहमदाबाद में था, मिच्छामिकुणम अहमदाबाद में था, आप आए। रमणी क्या सोचता है, वो डॉक्टर ने आने के बाद अतिथि से विभाग किया, बाजू के घर में मैं बेरने के लिए गया, पहली रोटी जिंदगी में शायद बिराई होगी। और कल इनका मैसेज आया, आपके पात्र में एक रोटी डाल के बाद जो आनंद महसूस किया वो आनंद को लेकर के ऐसा लगता है हिंदुस्तान में रहने वाले ये आनंद रोज महसूस करते होंगे। तो गुरुदेव वो रोटी का नियम तो मैंने लिया था, आज वही रोटी का नियम आगे चलाना चाहता हूँ। अमेरिका छोड़ी ने इंडिया में ना हो त्या सुधी रोटली बन सके। और धारणा बिग्र बचकान मैंने जब सुनाया ऐसा लगा वो शायद रो रहे होंगे। आपकी धर्म पत्नी ने कहा मुझे गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, अमेरिका छोड़कर के मैं वो डॉक्टर की बात करना चाहता हूँ जिनका नाम बम्बई में भट्टाचार्य का जो नाम है वो नाम इनका है, और आपने नियम लिया है पूरा व्यवस्था छोड़ के इंडिया में आकर के सिर्फ और सिर्फ सुपात्र दान के लिए, ये है फीलिंग्स की मानसिकता। और 5वें नंबर की श्रेष्ठ आइटम फेथ, फेथ का 3 अर्थ विश्वास निष्ठा और श्रद्धा। मान लिया फ्रीडम मिली, मान लिया फ्रेंड भी अच्छे मिले, फील्ड भी अच्छा मिला, फीलिंग्स भी अच्छी है, मगर 5वें नंबर की बात फेथ माने सम्यक दर्शन, यदि यही है मेरे पास नहीं है तो फिर कभी कभी मैं प्रवचन में बोलता हूँ यदि केवल नहीं मिल जाए और मुझे पूछे महाराज साहब आप एक प्रश्न आप पूछो, एक ही ओनली वन क्वेश्चन, खाली बच्चे 2 मिनट में पी प्रवचन पूरु करू, तमने कहो तमने हम भगवान मड़े ने एक प्रश्न पूछवा के तमें शू पूछो। मल्या नहीं खाली ई फेन बट करू छू, कदाच केवड़ना नहीं मड़े ने के माग माग मागे मागू देवता के केवड़ना नहीं के
એ પૂછ, તારે જે પૂછો એક જ ક્વેશ્ચન, શું પૂછો? કમાલ ગયા. જવાબ એમને આપવાનો છે, તમારે પૂછવાનું છે ખાલી. હા, અત્યારે તો મને જ આપવો પડે. તું કેવલ નાની કેરો પ્રયત્ન સુંદર સુરી, આપણ ટપાલ પહોંચાડી 100%. આપણી આગળ આપણ નથી, સાક્ષાત કેવળ નાની મળે તો હું શું પૂછું? સાહેબ, મને કોઈ પૂછે તો કેવળ નાની મળે તો એક જ પ્રશ્ન પૂછું, મારો ચરમ ભવ ક્યારે એ ન પૂછું, મારો પ્રથમ ભવ શરૂ થયો કે નહીં એ જવાબ આપી દો. પ્રથમ ભવ શરૂ થાય, ચરમ આવે જ, ચરમ એટલે છેલ્લો. અને પ્રથમ ભવ શરૂ ક્યારે થાય? સમ્યક દર્શન પામો ત્યારે. અનંતકાળના સંસાર પરિભ્રમણમાં આપણો મોક્ષ નથી થયો એ પ્રશ્ન નથી, આપણે સંકેત નથી પામ્યા એ પ્રશ્ન છે. પાંચમા નંબરનું સ્ટેપ, પરમ ગતિ સુધી પહોંચવાની સૌથી મોટી તાકાત સમ્યક દર્શન, અને સમ્યક દર્શનની ભૂમિકા, જે જીન ભાક્યું તે નવી અન્યથા, એવો જે દ્રઢ રંગ તે આસ્તિકતા, લક્ષણ પાંચમું કરે કુમતીનો ભંગ, સમ્યક દર્શન કુમતી તોડે એ સમકિત, સુમતીની પ્રતિષ્ઠા કરે અને કુમતી તોડે એ સમકિત. પાંચ ઇન્દ્રિયને મન મળે એ ફ્રીડમ, આના સદુપયોગની વાત કરે એ ફ્રેન્ડ, સદુપયોગ ક્યાં કરવો એનું ક્ષેત્ર બતાવે એ ફિલ્ડ, ક્ષેત્ર મળીએ તો આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી જાય આ ફિલિંગ, અને જમીનને આપું છું એ 100% મને રિટર્ન થશે જ આ શ્રદ્ધા. આ પાંચ ચીજ મળે એના જીવનમાં કાયમ માટે આનંદ મંગળની ભૂમિકા જ ઊભી થાય. અનેક રીતે આનંદ મંગળના પ્રસંગ આજે આપણે જોયા. પચકાણ ઉપવાસ મિત્રાનું ગણમ, પચકાણ ઉપવાસ ગણમ, પાણાગણમિલે સર્વ મંગલ મંગલ કારણ પ્રધાન સર્વ ધર્મ જય.